छोटी बहू स्टोरी बनाई है तो चलिए। बात की बात है, मीरा के दो लड़के थे, एक की शादी हो चुकी थी और दूसरा जो छोटा बेटा था वह कहीं बाहर जॉब करता था। माँ नमस्कार। नमस्ते बेटा। अरे तू कब आया? माँ मैं आज ही आया हूँ। अच्छा बेटा आओ खुश रहो। और ये कौन है बेटा? माँ ये आपकी छोटी बहू है। बहू तूने शादी कर ली? हाँ माँ मैंने लव मैरिज कर ली है। नहीं बेटा तूने हमारी मर्जी के बिना शादी करी है, इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। नहीं माँ ऐसा मत करो। नहीं बेटा जाओ तुम यहाँ से चले जाओ। ठीक है माँ। उसकी माँ उसे घर से बाहर निकाल देती है। अरे बहू आज नौकरानी नहीं आई क्या? माँ जी मैंने उसे निकाल दिया है। क्यों? माँ जी बिना वजह उसको आप पैसे देते हो, पैसे खर्च होते हैं ना, इसलिए आप घर पे ही रहते हो तो आप काम कर लिया करो। नौकरानी तो नहीं आएगी अब से, मैंने तो उसे निकाल दिया। अरे बहू क्या हुआ माँ जी, इतना खास क्यों रहे हो? बहू मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे डॉक्टर के दिखा ला। अरे माँ जी मौसम धीरे धीरे बदल रहा है, इससे थोड़े बहुत खांसी जुकाम तो हो ही जाते हैं, और पता नहीं है क्या डॉक्टर के दिखाने पर कितने पैसे खर्च होंगे मेरे। नहीं नहीं मैं नहीं दिखाने जा रही आपको, वही पहले वाली मेडिसिन खा लो ठीक हो जाएगा। अब मुझसे और काम नहीं होता है, मुझे बहू से बात करनी ही होगी। अरे बहू क्या हुआ मम्मी जी? बहू देख मेरी तबीयत खराब रहती है और तूने नौकर भी घर से निकाल दिए हैं, अब मुझसे काम नहीं होता है। अरे माँ जी तो मैं क्या करूँ, इतना सही तो काम है, उसमें भी करने में आपको जोर आता है। दो रोटी तो मिल रही है, अगर दो रोटी भी नहीं खानी हो तो निकल जाओ यहाँ से। क्या बहू मैं निकल जाऊँ यहाँ से? ये मेरा घर है। अरे मम्मी जी ये आपका घर नहीं, आपने पहले ही ये घर मेरे पति के नाम कर रखा है, इसलिए ये मेरा घर है आपका नहीं, निकल जाओ यहाँ से। उसकी बहू उसे निकाल देती है और वह मंदिर में जाकर बैठ जाती है। तभी उसकी छोटी बहू आती है। उसे सारी बात बता देती है। अच्छा आज के साथ ये हुआ था, चलो मेरे साथ। नहीं बहू मैं तेरे साथ कहाँ चलूंगी, मैंने तो पहले ही तुझे घर में नहीं आने दिया था। माँ जी आज के छोटे बेटे का घर भी तो आपका ही है तो चलो। बहू मुझे माफ कर देना, जिस बहू को मैं पसंद करके लाई थी उसने तो मुझे घर से बाहर निकाल दिया, मुझे दो वक्त की रोटी भी नहीं दी उसने। मेरे घर पर पूरा कब्जा जमा लिया है और उसका व्यवहार भी बिल्कुल बदल गया है। माँ जी ऐसे कोई बात नहीं है, आप चलो। बहू तुमने मुझसे कहा इसके लिए धन्यवाद, पर मैं यही मंदिर में ही रहना चाहती हूँ, यही दो वक्त की रोटी खा लूंगी और अपना समय यही बिताऊंगी। नहीं माँ जी आप हमारे रहते हुए इस मंदिर में क्यों रहोगी? चलो माँ जी आपका छोटा बेटा इंतजार कर रहा है आपका। फिर वह दोनों चले जाते हैं। मिलती है कि हमें बिना किसी को समझे उसके बारे में गलत नजरिया नहीं बनाना चाहिए। हम जिस पर विश्वास करते हैं कभी कभी वो भी हमारे साथ धोखा कर सकता है।